फाइनली पार्सल मिल चुका है भाई। पार्सल देख रहे हो भैया, भाई वेट नहीं है इसमें ज़्यादा और लेकिन इसका साइज बड़ा है बस। भाई इसके मैंने 150 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं भाई। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे भाई। और बाकी देख लो, ये पगलू भी जा रही है भाभी के यहाँ पे। भाई अभी खाना पीना खाएगी। अगर टाइम की बात करो, टाइम दिखा दो मैं कितना हो रहा है भाई। ये देख लो भाई, 3:08, तो मैं अभी निकल रहा हूँ यार, देख लो। तो बाकी भाई आज मैं काम करने वाला हूँ भाई, किस में, शैडो फैक्स में भाई। तो 3 बज रहे हैं तो 8-9 बजे तक काम करते हैं भाई शैडो फैक्स में, देखते हैं भाई कैसा काम रहता है शैडो फैक्स में। बाकी भाई देखो, पगलू जा रही है भाभी के यहाँ पे। तो बाकी बैग में भाई इसमें जॉकेट है मोटी वाली। तो भाई पगलू जा रही है भाभी के यहाँ पे, तो इसको मैं भाभी के यहाँ पे छोड़ दूंगा। अभी इसने खाना नहीं खा रखा है, पता आज क्या बना रखा है भाभी ने। भाई ये खाने वाली आज कढ़ी चावल ना रे, कढ़ी चावल खाने वाली हो ना मेरी वजह से क्या भाई भाई इसको ना भूख लगी है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और इसने अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो पहले पगलेट को छोड़ देते हैं भाभी के यहाँ पे। अरे अरे वो भाई पैर में ना लग जाए। देखो अपनी सबसे पहले भाई अपनी बिल्लू रानी के मीटर की बात करूँ तो भाई 33,467 किलोमीटर चल चुकी है। तो बाकी भाई देखते हैं आज कितना चलेगी। तो भाई अभी पगलेट को पहले छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा भाई शैडो फैक्स की आईडी ऑनलाइन। तो देखते हैं भाई आज 5-6 घंटे मैं काम करूँगा भाई, अभी से 8-9 बजे तक, 3 बजे से 8-9 बजे तक काम करूँगा। देखते हैं भाई कैसा रहता है, कुछ छोड़ दे, काम पर जा रहा हूँ मैं तो अभी लूँगा ना आगे से। तो भाई आगे पगलेट को मैंने छोड़ दिया, तो ये जा रही है भाभी के यहाँ पे, भाभी लोग यहीं रहते हैं। तो भाई अब मैं करता हूँ भाई शैडो फैक्स की आईडी ऑनलाइन करूँगा। तो चलो भाई यहीं पे रुकता हूँ यार। भाई ये लो भाई, देखो इसमें एक चीज़ है, अभी यहाँ पे देखना सेल्फ़ी मांगेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऑनलाइन करूँगा ना, ये देखो सेल्फ़ी मांग रहा है ना, तो इसको सेल्फ़ी दे देते हैं भाई। ये दे दी मैंने सेल्फ़ी, तो भाई ऑनलाइन होगी आईडी। तो चलो भाई राइड का वेट करते हैं और देखते हैं भाई पहली राइड हमें कहाँ के लिए भेजता है। अगर रखी ना, अभी ऑर्डर आएंगे नहीं मुझे पता है, तो इसलिए भाई मैं पोर्टर की आईडी ऑन करके पोर्टर को लेके निकल जाता हूँ। मैंने ना शैडो फैक्स की आईडी और बाकी उबर की आईडी दोनों ऑनलाइन कर दिए हैं। तो देखते हैं भाई पहली राइड किस में आती है। शैडो फैक्स में पहली राइड आ चुकी है भाई, भाई 59 रुपये की भाई। ये जा रहा है द्वारिका सेक्टर 21, तो लेके चलते हैं भाई। देखो तुम्हारे पास, तुमने एक्सेप्ट कर ली ना, तो आईडी तुम्हारे पास ऐसे खुल के आ जाएगी भाई। यहाँ पे तुम्हें अमाउंट दिखा रहा है और यहाँ पे भाई तुम्हें कहाँ से राइट पिकअप करना है वो दिखा रहा है कापासेड़ा से, और यहाँ पे ड्रॉप दिखा रहा है भाई, ठीक है। तो भाई तुमने जहाँ से तुम्हें पिकअप करना है कापासेड़ा, तो यहाँ पर क्लिक करना है भाई। यहाँ पर दिखा रहा है, देखो बहुत लोग भाई इसमें कन्फ्यूज भी हो रहे होंगे भाई कि भाई ये भाई पिकअप के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि भाई, तो मैप कैसे जाएं। बाकी लोग यहाँ से कर रहे होंगे, कई लोग तो यहाँ से कर रहे होंगे भाई, तो यहाँ से नहीं करना भाई। यहाँ पे देख कर देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेट लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्लिक करेंगे भाई। देखो ये तो तुम्हारा जो पिकअप लोकेशन है ना, तो वो तुम्हारा खुल जाएगा सामने। ये देखो भाई 400 मीटर पिकअप लोकेशन है मेरा, तो चलता हूँ भाई मैं पिकअप करने। ये देख लो भाई, ये चीज़ हमेशा याद रखना। फाइनली पहुंच चुका हूँ लोकेशन पे। बाकी ये 3 नंबर गली है भाई, ये हमारी गली से ही जा रही है। बाकी यार बंदा तो यहीं पे वेट कर रहा है, कॉल करूँ भाई। यहाँ पे देखो डिलीवरी एड्रेस दे रखा है ना, द्वारिका सेक्टर 21, और नीचे दे रखा है देखो ये भाई नेविगेट, तो इसमें क्लिक करना है, तो तुम्हें लेके जाएगा जहाँ पर तुम्हें ड्रॉप करना है भैया को, वहाँ पर छोड़ोगे तुम। तो ये यहाँ पे नेविगेट लिखा है ना, तो इसमें क्लिक करना है, तो इससे ही तुम अपना मैप से जा पाओगे। तो बाकी भाई मैं वेट कर रहा हूँ यार। भाई ये चीज़ अलाउड नहीं है ना। अरे तुम लेके आए हो भाई, लेके आए हो बात अलग है। हाँ जी, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ अलाउड नहीं है इसमें। हाँ जी, रात में जो आया था ना, हाँ वाले से पीछे से लेके आया। आप लंबे खाली ऐसे रख दो। अरे भाई रखने के लिए तो रख दो, फिर इसका तुम्हारे चार्ज लग जाएगा। अरे 10-20 ले लेगा। 50 रुपये लगेंगे भाई, 10-20 तक का। हाँ होगा यार, भाई ऐसा मत करो यार, क्योंकि भाई सिंगल पर्सन के लिए होता है ये। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, 50 रुपये कर देना ये लो। टोटल कितना, टोटल कितना दिखा रहा है वहाँ पे? फेयर में 35 दिखा रहा है। 35 कहाँ दिखा रहा है, बाकी ऑनलाइन होगा साहब, देखना एक बार। टोटल दिखा रहा है, ये देखो दिखा रहा कितना दिखा रहा है। चलो 100 रुपये कर देना फिर, ठीक है। अरे मैं 40 रुपये ले रहा हूँ, 100 रुपये कर देना, ठीक है। 80 रुपये आप ले लो यार, 80 रुपये में नहीं जाएगा यार भाई, 80 में नहीं होगा ना। कर लो ना यार, क्यों आप। अरे भाई यार दिक्कत भी तो होगी ना, वो भी तो चीज़ देखो यार भाई, यार ऐसा गलत थोड़ी ना भाई, ये सिंगल पर्सन के लिए।
अरे यार, तो जो बंदा रात में लाके छोड़ा, अरे भाई वो छोड़ा होगा, वो बात अलग है मेरे भाई। वो भी स्कूटी वाला ही था ना। अब वो बात अलग है मेरे भाई। 10-20 के लिए ऐसे कर रहे हो। हाँ तो वही तो, अब तुम कर रहे हो 10-20 के लिए अलग मेरे भाई। मैं बोल तो रहा हूँ, अभी तक तो हम पहुँच जाते यार आ गया, तुम खाले बहस कर रहे हो। बताओ तो भाई, मैं बोल तो रहा हूँ 100 रुपये कर देना जो भी बना है। तो 40 रुपये मैं ले रहा हूँ भाई, मैं कौन सा ले रहा हूँ भाई, 50 रुपये ले रहा हूँ, 40 रुपये ले रहा हूँ। तो 59 दिखा रहा है, 100 रुपये कर देना, 40 रुपये तो ले रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा। 130 रुपये, 103 रुपये की राइड आ गई यार। सुशांत लोग जा रही हैं। बता भाई क्या करना है, 100 रुपये कर देना, 40 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं ले रहा हूँ मेरे भाई। बैठो। अरे मेरे भाई, ये यहाँ भी नहीं आएगा, ये पीछे ही पकड़ना पड़ेगा तुम्हें। ये दिखा रहा है 6.2 किलोमीटर यार। तो चलो भाई, करते हैं इस राइड को कंप्लीट। आ जाएगा या नहीं आएगा? अरे भाई कितना आगे करोगे? तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं द्वारिका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन। और बाकी भाई देख रहे हो यहाँ पे राइडर लोग सारे वेट कर रहे हैं। साइड में रोक दो। मैं रोक रहा हूँ भाई, चलो रुको रुको, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आ जाओ उतरो। बाकी मुझे मिले इसमें भैया ने 59 रुपये, और बाकी भाई 40 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लिए थे जो बैग का भाई। तो बाकी भैया निकल गए, मैं वो बहुत लेट हो रहे थे यार। पहले उन्होंने भाई क्या करवाया, पहले पैसे करके चले गए, फिर उसके बाद भाई ऐसे भागे ना, वो लेट हो रहे थे ना वो। तो बाकी भैया नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। सेक्टर 109 द्वारिका सेक्टर 21 से चलते हैं यार। भाई मैंने राइड ले ली है, बाकी भाई यह देखो पिकअप द्वारिका सेक्टर 21 से ही जा रही है भाई। 11 किलोमीटर दिखा रहा है और 23 मिनट लगने वाले हैं भाई, 109 सेक्टर गुड़गांव। तो चलते हैं भाई, देखते हैं इसमें कितना फेयर बनता है। फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, इंटरनेशनल सिटी भाई। बाकी ड्रॉप कर दिया भाई को, और बाकी भाई ट्रिप को एंड। और भाई देखो 77 रुपये मुझे मिले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप कहाँ से हो? हाँ भाई, तुम लुघाट कहे जाएगा? अच्छा अच्छा, तो यहाँ कौन रहा वो? द्वारका। द्वारका, अच्छा तो अभी कहाँ जा रहे हो फिर? वही शॉप है, और माँ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फॉर्चून के दुकान के। हाँ ये बंदे को आया तो छोड़ने, चलो ठीक है भाई। भाई ये जो भाई हैं ये हमारे गांव के ही हैं यार। तो बाकी भाई एक ऑर्डर, भाई देखो मैं तुम्हें अर्निंग दिखा देता हूँ भाई, मैं इसमें मुझे कितना मिले भाई। भाई इसमें जो मुझे मिले, दो ऑर्डर कंप्लीट हो गए, दो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद भाई इसमें 193 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। बाकी भाई 50 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लगा लो, 240 रुपये की समथिंग। तो चलो भाई करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। ये देखो मैंने आईडी ऑन कर रखी थी गुड़गांव 100। आजा भाई आजा भाई, ये राइड मैंने ले ली भाई, मेरे पास आ चुकी है भैया ओखला की राइड। भाई देखो मैंने ऊबर की आईडी भी ऑन कर रखी थी, वहाँ के शैडोफैक्स की आईडी भी ऑनलाइन कर रखी है, लेकिन भाई दोनों में काम ही नहीं आ रहा भाई। भाई 5-10 मिनट हो गए भाई, 10 मिनट से यहाँ पर कोई राइड नहीं आ रही थी। बाकी 109 सेक्टर 109 से मेरे पास राइड आ चुके पोटर में। तो भाई मैं लेके जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं रुकने वाला अब भाई, बहुत हो गया भाई। 650 मीटर दिखा रहा है यार। हेलो भाई जी, क्या हाल चाल? हाँ जी हाँ जी, यही डालो UK03 ब्लॉक। भाई तुम्हें दिखा देता हूँ मैं राइड कितने की है। भाई ये राइड सही मिल गई मुझे। तो भाई ये देखो ओखला की राइड है, सेक्टर 9 से जा रही है गुड़गांव से, और इंडस्ट्रियल एरिया। बाकी चलते हैं भाई, 398 रुपये की ये राइड है। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट। अभी तुम व्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी, व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई। यार मेरे पास है पर मैं सेटअप लगाना नहीं आ रहा मेरे को भी। है आपके पास? जी मेरे पास अभी गोप्रो मेरा सही रखा है। अच्छा कौन सा है गोप्रो? मेरे पास ये तो पता नहीं है, इतनी फोन पे बात कर रहा था मैंने आपको, देखा ना यूके देखा मैंने, तब मैं वापस आया। अच्छा अच्छा, अभी कल डालोगे इसे यूट्यूब पे? बिल्कुल भाई डालेंगे, क्यों नहीं। सेटअप क्या करना है? सेटअप इजी है भाई। अरे क्या क्या है तुम्हारे पास? मैं हेलमेट ले आया। नहीं नहीं, क्या क्या है तुम्हारे पास? देखो ये है मेरे पास, ये भी है, माइक भी है मेरे पास। हाँ। सारा दोस्त ने सेटअप करके दे दिया है, वो उसका जसप्रीत राम से है यूट्यूब पे चैनल। अच्छा अच्छा, 1.5-2 लाख के समथिंग उसके वो। अच्छा अच्छा हाँ, सब्सक्राइबर। हाँ। है मतलब मेरे साथ वाले है ना। हाँ। उनकी टीम मतलब बढ़िया है ग्रो। हाँ। एक यहाँ का एक और है जस करण करके, उसके भी 1 मिलियन है इंस्टा पे। अच्छा
सारे मतलब बहुत अच्छे जान पहचान वाले दोस्त है ना, तो उन्होंने करके दिया था मेरे को। अब बेंच मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, अब इसे लगाऊं कैसे हेलमेट में। हेलमेट में, हेलमेट में लगाना तो इजी है। उसने मेरे को 5,000 रुपए का हेलमेट गिफ्ट किया था, मैं दिखाता हूं। अच्छा तो भाई फाइनली मैं जा रहा हूँ भाई पिकअप लोकेशन पे। वहाँ की भैया देखो मैडम का कॉल आ गया कि भाई पार्सल तो हल्का है लेकिन साइज बहुत बड़ा है। तो मैंने बोला मैडम कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ और लेके तो मैं चला जाऊँगा लेकिन आपका चार्ज लग जाएगा एक्स्ट्रा। तो मैडम बोल रहे हैं हाँ कोई बात नहीं आप ले लेना, लेकिन ड्रॉप मतलब डिलीवर करने के बाद मैं पेमेंट करूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है उसके बाद ही कर देना। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर और बाकी भाई यहीं से देखते हैं भाई क्या जाएगा। और बाकी भैया देखो, अरे भाई यहीं पर दिखा रहे को मैडम सामने है यार, देखते हैं भाई पार्सल क्या जाएगा यार। मैं देखो यहीं से जाएगा, अब बड़ा पार्सल है बांध लीजिए लेके निकल जाइए। ठीक नंबर सेव करिए, मैं सारा लोकेशन वगैरह भेज दूंगी। ओके ओके। और ये इनवॉइस वही मैं कह रही थी आप बांध लो। हां बिल्कुल नहीं ठीक है, इसीलिए मैंने पॉलिथीन से कर दी। कोई बात नहीं करना पड़ेगा जो पॉलिथीन कर दिए। भाई पार्सल आ चुका है यार, ये इस पर दो है ना, इसका मुंह बांधने के लिए नहीं होगा क्या कुछ जुगाड़? एक मिनट रुको, करना पड़ेगा जुगाड़। इसी से मुंह बांध दीजिए, ठीक है? वो कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे बोल रहा इसी के अंदर है। ठीक ठीक है, पूरा सेट साइन करके मैंने इसी में रखा। ले लो। ठीक है, लोकेशन एड्रेस नंबर भेज दीजिए। अच्छा वहाँ पे? हाँ, ठीक करोगे? ठीक है ठीक है। नंबर तो है आपके पास? हाँ है। जिसको फोन करना है या लोकेशन दोनों भेज दीजिए। ठीक है ठीक। इकोनॉमी वैसे पेमेंट कौन करेगा? मैं ही करूँगी। आप ही करोगे? हाँ। तो 600 रुपये कर देना। हाँ ठीक है मैम, नहीं आप कर देना 600 रुपये कर देना मैम, 600 रुपये कर देना। देखो मैम, देखो हम भी तो रिक्स पे लेके जा रहे हैं ना, तो मैम हम भी तो रिक्शे पे लेके जा रहे हैं, वो भी तो देखो। तो मैं भी तो रिक्शे पे ही लेके जा रहा हूँ, तो 550 रुपये कर देना। ठीक है ठीक है। तो भाई बाकी भाई पार्सल मैंने ले लिया है और तो मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ भाई कितना है। ओ भाई ये लो, तो भाई डिस्टेंस दिखा दूँ भाई, ट्रिप स्टार्ट और डिस्टेंस देख लो यार कितना है। भाई ये दिखा रहा है 44 किलोमीटर, 1 घंटा 25 मिनट मुझे लगने वाले हैं भाई। दिखा रहा है 44 किलोमीटर और 1 घंटा 25 मिनट मुझे लगने वाले भाई। 44 किलोमीटर के 398 रुपये मुझे मिल रहे हैं यार भाई, इसमें मेरे 150 रुपये एक्स्ट्रा आने वाले हैं भाई, मज़ा आ गया यार। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे और भाई लोकेशन तो एंडी यहीं पर हो रही है। भाई जो मेरी रस्सी है ना ये भी टूट गई है यार। ओ भाई ये लो, इसके अंदर डाल रखा पन्नी में पैक है। फाइनली डिलीवरी कर दी है, बाकी इस ट्रिप को एंड करूँगा भाई। और भैया देखो इसमें मेरे 150 रुपये एक्स्ट्रा आ गए भाई। भाई 398 रुपये की राइड थी, बाकी 150 रुपये एक्स्ट्रा मेरे भाई 550 रुपये आ गए मेरे इसमें। तो ट्रिप को एंड भाई 5 स्टार भाई, अब भाई 10 स्टार भी होते ना वो भी दे देता हूँ यार मैं। तो लो भाई अर्निंग की बात करूँ तो भाई 318 रुपये की अर्निंग हो गई है और बाकी भाई देखो 193 रुपये मेरे उसमें है भाई। तो चलो भाई करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। और लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पीछे यार एक पिलर पे मैंने भाई मेरी गाड़ी रपट गई थी यार भाई, हल्के ना गिट्टियाँ थी आगे साइड और बाकी भाई बहुत तगड़ी रपटी ना भाई। दिखाऊँ तुम्हें यहाँ पे, ये देखो यार, बाकी भाई मेरे पास राइड भी आ चुकी है। देखो ये भाई, ये राइड आ रही है ओखला फेस वन से और भाई ये राइड है सफदरजंग की। और बाकी भाई चलता हूँ इस राइड को, 181 रुपये की राइड है अभी लेके, पहले तो मैं दिखा रहा हूँ भाई। ये देखो, देख रहे हो ये, और बाकी भाई इधर देखो यार एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं रुकूँ भाई, बहुत तगड़ा यार सीन हुआ अभी। बाकी मैं भाई देखो पेमेंट भी आ चुकी है मेरी, ये देखो ये 550 रुपये, तो सही है भाई। देखो भाई ये देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या हाल हो रखे भाई गाड़ी के, वो भाई बहुत तगड़ी रपटी है मेरे भाई गाड़ी, देख रहे हो। ये देखो भाई इतना बुरा हाल हो रखा है यार, मैं बच गया कसम से, सच बता रहा हूँ मैं इतना बचा हूँ ना भाई। भाई यहीं पे पड़ी है, पिलर है, पिलर में भाई मेरे यहाँ पे लगी है, देखो ये यहाँ पे लगी हुई है यार, बहुत दर्द हो रहा है। बाकी ये जीन्स भी फट गया है, देख रहे हो भाई, बाकी यहाँ घुटने बच गए और जूता, भाई जूता पहनने का तो यहाँ पे देख रहे हो छेद हो गया है, ये देखो ठीक है। बाकी भाई और जगह तो नहीं, और भाई सबसे मेन सेफ्टी क्या है पता है भाई, ये ग्लव्स भाई देख रहे हो, ये क्या हाल हो रखे ग्लव्स भाई। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने भाई, ये देख रहे हो
तो मैं दिखाता हूँ, ये ग्लव्स जो पहन रखे हैं भाई, इनसे मैं बच गया नहीं तो मेरा पूरा हाथ की ऐसी तैसी हो जाती है यार, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत बुरा वाला सीन हुआ भाई। मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पाया यार भाई, सच बता रहा हूँ मैं, इतना मतलब पता नहीं अचानक से कैसा हो गया, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा यार भाई, सच बता रहा हूँ मैं, ऐसे रपटे। और बाकी देख रहे हैं, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये भी टूट गई रस्सी, ये लो भाई, भाई रस्सी फेंकनी पड़ेगी अब मुझे, नई रस्सी लाऊंगा भाई, ये लो ये देख रहे हो, रस्सी भी टूट गई एक साइड की भाई, बहुत बहुत तगड़ा सीन हुआ भाई। गाड़ी में बस वहीं पे खरोच है, और जगह गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी यार इसको मैं इधर डाल देता हूँ रस्सी को भाई, बहुत तगड़ा भाई, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है यार, सच बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी यहाँ पे, अब घर जाके देखना पड़ेगा यार। ओ भाई लग गई तगड़े। बाकी भैया अच्छा हुआ कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस वहीं पे थोड़ा बहुत डेंट पड़ा हुआ है मेरा, और तो बाकी सही है यार भाई, डेंट ही बहुत तगड़ा पड़ा यार। यहीं पे मैं रपटा था यार भाई पीछे साइड। और बाकी भैया भाई, मैं सभी भाई लोग, जितने भी मेरे भाई लोग काम कर रहे हैं, मैं तो उनसे भाई एक ही निवेदन करूँगा भाई, और हाथ में जो ग्लव्स मैंने पहन रखे हैं ना भाई, ये चीज़ आप पहन लेना यार ज़रूर भाई, क्योंकि भैया ये चीज़ पहनोगे ना भाई, तुम्हारे हाथ की पूरी सेफ्टी रहेगी भाई। अभी मैं बोल तो रहा हूँ, मेरा ये जो यहाँ पे गिट्टी होती है ना भाई, यहाँ पे आगे साइड भाई, वो इतनी घिसी है ना, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यार, तो मैं घर जाके मैं दिखाऊंगा अभी। तो बाकी भाई जैसे ये पिलर है ना भाई, ये रोड है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देख रहा हूँ भाई, मैं इस पर रपटा हूँ भाई, ये तो बहुत नीचा है लेकिन इससे ऊँचा है यार, वो वहाँ पर बहुत तगड़ा ठुका था यार, पता नहीं भाई, मैंने हल्का पीछे और आगे वाला ब्रेक मारा था तो ये मेरी स्कूटी जो है ना रपट गई थी यार भाई, वहाँ पे छोटी छोटी गिट्टियाँ थी ना, तो इस वजह से रपट गई यार भाई। इस फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे, और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे हो रही है भैया, पोटर से क्या है इसमें अच्छा, इसकी पेमेंट वहीं होगी, ठीक, पार्सल मिल चुका है। बाकी इसमें भाई मेमोरी कार्ड जा रही हैं, तो भाई मेमोरी कार्ड की डिलीवरी करनी है भाई, इसके अंदर डाल रखी है, कहीं गिर ना जाए यार, ये भी संभाल के रखनी पड़ेगी। नहीं यहाँ से सब जंग का भाई, ये लो भाई, ये दिखा रहा है 13 किलोमीटर और 39 मिनट मुझे लगने वाले हैं भाई, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है यार इसमें। चलिए पहुँच चुका हूँ भाई लोकेशन पर, और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पर हो रही है यार। चलो भैया कैसा मेमोरी कार्ड है क्या? नहीं नहीं ये वो है, वो गिटार वाली पिक होती है ना। अच्छा अच्छा गिटार वाली, 181 रुपये, ठीक है, थैंक यू भैया भाई। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं ब्लॉगिंग करता हूँ ना मैं, अच्छा। यूट्यूब चैनल, सही सही बढ़िया, क्या नाम है ये डालो। ओ भाई ये कहाँ की आ रही है, अरे भैया थैंक यू भैया, अरे भाई 178 रुपये भाई, कापा चढ़ा के देते ना मज़ा आ जाता है। बाकी भाई 181 रुपये की राइड थी, बाकी पेमेंट हो चुकी है, डिलीवरी भी कर दिया भाई, तो इस ट्रिप को एंड 5 स्टार के साथ डन। तो भाई अर्निंग दिखा दूँ, अबे यार बाकी भाई पोर्टर की आई तो मैं ऑफलाइन कर देता हूँ यार, क्योंकि मैं अभी यहाँ से घर जा रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे पैर में ना भाई दर्द हो रहा है, अभी जाके घर जाके दिखाऊँगा तुम्हें। तो भाई अर्निंग भी दिखा देता हूँ भाई, अर्निंग देख लो, ये लो भाई अर्निंग हो चुकी है भाई 463 रुपये की, और बाकी भाई 150 रुपये मेरे एक्स्ट्रा हो गए, और 200 रुपये मेरे भाई उसमें लगा लो सेट ऑफ एक्स में। तो भाई सभी को जोड़ लो यार कितना हो रहा है भाई, हो गया 850 600 700 800 रुपये की समथिंग अर्निंग हो रही है भाई। फाइनली मैं निकल चुका हूँ घर को, और बाकी भाई देखो मैं अभी महपालपुर पहुँचा हूँ, तो भाई चलता हूँ यार। और बाकी भाई पकड़ का भी कॉल आया था कि भाई तबीयत ख़राब हो रही है, तो जा ही रहा हूँ सीधे रूम पर। बाकी भाई देखो एक्सीडेंट तो हो ही गया यार भाई, पिलर पे यार वो था ना भाई, ठुक गया भाई, बताऊंगा तुम्हें अभी। तो पहले बाकी पहले मैं घर पहुंचता हूं भाई, रूम पे दुकान पे पहुंचता हूं, दुकान खोल रखी है। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं दुकान पे, ये लो भाई यहां पे पूनम भी आई होगी आज। तो बाकी भाई अपनी बिलवाने के मीटर की बात करूँ तो भाई 32,563 किलोमीटर चल चुकी है, तो चलते हैं भाई। देखो पूनम भी आई है ना भाई, पूनम की पता है एक किस्मत सही है। अरे रे यार भाई ये ले ली मैंने मूंगफली, पकड़ना पूनम ये उठाओ, मूंगफली कैसे चल रहा है भाई अभी? 120 और बाकी भाई मोमोज
पूनम देखो भाई, जब भी मैं मोमोज लाता हूँ ना तो पूनम हमेशा पहुँच जाती है। हाँ तो मतलब पूनम की किस्मत सही है कि पूनम भाई मोमोज मोमोज खाने वाली किस्मत है ना पूनम तेरी। तो गाइस फाइनली अभी मैं दुकान यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, बाकी भाई मैं भाभी के रूम पे जा रहे हैं, पगलेट भी वहीं पे गई है, तो भाई वहाँ पे खाना पीना बना रहे हैं वो लोग मिलके, तो चलते हैं। बाकी भाई यहाँ पे देखो भाई भाभी क्या बना रही है। भाई भाभी बना रही चावल की रोटी, एकदम गाँव की याद दिला दी भाभी ने। वेरी गुड, शाबाश भाभी, डेली बनाया करो चावल की रोटी। तो चलो भाई खाना पीना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं। क्या कह रहे हो? फाइनली कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया। अगर कल की पोटर मारनिंग की बात करूं तो भाई 463 रुपए पोटर मारनिंग हुई, जिसमें 150 रुपए मैंने एक पार्सल में एक्स्ट्रा लिया और बाकी भाई शेडो पक्स में 193 रुपए की समथिंग अर्निंग हुई। अर्निंग जो हुई 800+ अर्निंग हुई थी कल के दिन में, और बाकी भाई 150 रुपए तेल का माइनस कर दो, 650 रुपए सेविंग होंगे। भाई मैंने कल काम किया भाई कितना, 3-4 घंटे काम किया होगा, 3-4 घंटे में 650 रुपए सेविंग होगी भाई, और क्या चाहिए तुम्हें इससे ज्यादा। तो बाकी भाई देखो मेरे पाँव में लग गई ना भाई, एक्सीडेंट हो गया तो इसीलिए मैं घर आ गया। बाकी भाई देखो मेरे घुटने में हल्का सा खरोच है, और बाकी भाई पीछे थाई जो होती है ना, थाई में थोड़ा बहुत डेंट पड़ा है भाई, और बाकी भाई ब्लैक पड़ गया पूरा, तो भाई वहीं पे ज़्यादा दर्द हो रहा था बस, और तो बाकी सही है भाई, बच गया भाई। बाकी भाई मैंने सेफ्टी ग्लव्स पहन रखे थे, जो गिट्टियाँ होती हैं आगे साइड ना, तो भाई वो पूरी घिस रखी हैं, अगर शायद अगर वो ग्लव्स मैंने नहीं पहने होते ना तो भाई यहाँ पे ना आगे साइड हाथ में तो भाई बहुत तगड़ा वाला डेंट पड़ता, तो इसीलिए मैं सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि हाथ में ग्लव्स, सेफ्टी हमेशा भाई, सेफ्टी देखो सेफ्टी सबसे पहले है भाई, क्योंकि हम लोग फील्ड पे ही काम कर रहे हैं, तो भाई सेफ्टी हमेशा रखना। आप लोग भी भाई ग्लव्स लेना, 350-350 रुपये के आ जाएंगे वो भाई, तुम्हारे हाथ की पूरी सेफ्टी हो जाएगी भाई उससे। तो मेरा भी कल वही हुआ भाई, पूरी सेफ्टी मेरे हाथ उसी से बचे थे भाई ग्लव्स से। तो ये चीज़ मैं भाई लोगों से बोलना चाहूँगा भाई, ग्लव्स लेना 350-350 यार, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रेट नहीं है, ठीक है। तो बाकी भाई इतना ही, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगा। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर गई तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगले वीडियो जल्दी आप तक पहुंचे। बाय बाय।